our channel Sinne Entertainment. My name is Sapna. I am Pankaj. So guys, today we are going to react on head cut scene from the movie Bahubali. So guys, this scene is the best scene from the movie Bahubali, and we have already watched that movie long back, correct? Yes. And that movie is also available in different versions, different languages. So guys, and this scene is really amazing. Yes. So guys, before starting this video, I would like to request if you're new on our channel to subscribe and hit the notification bell. Also, follow us on Instagram and Facebook. So guys, let's get started. महाराज के आने का समय हुआ है, चाहे कोई भी हो बगल से आना पड़ेगा। आप आगे आइए, कोई बात नहीं, आप जाइए। आओ आओ, जल्दी जल्दी आओ, पीछे अभी बहुत लोग बाकी हैं, सबको आगे आना होगा। इसके बाद तुम इसे बंदी बना लो इसे। बाहुबली की धर्मपत्नी देवसेना पर आरोप है कि उन्होंने सेना नायक सेतुपति की उंगलियां काट दी। राजमाता शिवगामी देवी की आज्ञा से श्री श्री भल्लाल देव महाराज के समक्ष ये सुनवाई प्रारंभ हो रही है। अवश्य। देवसेना, क्या तुम्हें अपने अपराध के बारे में कुछ कहना है? किसी सुनवाई के बिना ही मुझे हथकड़ियां पहना दी गई और पहले ही निर्णय हो चुका है कि मैं अपराधी हूँ। ये कहाँ का न्याय है? तुम निर्दोष साबित होने तक अपराधी हो, यही माहिष्मति का दंड विधान है। आदिवासी भी जिन्हें घिनौना समझते हैं, उन तौर तरीकों को आप दंड विधान कहते हैं, तो ऐसे दंड विधान को आग लगा दीजिए। अपने न्याय शास्त्र को गंगा में बहा दीजिए, अपने शासन को सूली पर चढ़ा दीजिए। जिस राज्य की मति भ्रष्ट है, उसका माहिष्मति जैसा बड़ा नाम, छी। देवसेना, इस महान साम्राज्य के बारे में अगर एक और अपशब्द भी निकाला। बड़ी बड़ी प्रतिमाओं और ऊंचे ऊंचे सिंहासनों से महान साम्राज्य नहीं बनता राजमाता, एक विशाल हृदय से बनता है। लगता है वो यहाँ किसी के पास नहीं है, धिक्कार है। देख लिया महाराज, आपके सामने इतनी निर्लज्जता के साथ बात कर रही हैं, तो सोचिए मेरे सामने आपके बारे में कितनी तुच्छ बातें कही होंगी। सोच के देखिए महाराज। वास्तव में क्या हुआ था बताओ सेतुपति। शिवालय भक्तों से भरा हुआ था महाराज, देवसेना भी वहां दर्शन के लिए आई, तभी आपके आने का समय हो गया था, तो मैंने उनसे कहा कि वो मुख्य द्वार की जगह दूसरे द्वार से आए। बाहु, ये क्या व्यवहार है? तुम पीड़ित को धमका रहे हो। विनती करने से सच बाहर नहीं आएगा महाराज। अपनी हद पार कर रहे हो बाहुबली। एक गर्भवती को बेड़ियों के साथ खड़ा करके ये सभा पहले ही अपनी हद पार कर चुकी है माँ। चाहे गर्भवती हो या वृद्ध, तुम हो या मैं, न्याय विधान सबके लिए एक है। जानते भी हो क्या हुआ था? क्या हुआ था देवसेना? शिवालय में सभी महिलाओं को एक तरफ बुलाया, अंदर भेजने के बहाने वो सब पर हाथ डाल रहा था। मेरे साथ भी वो यही करने वाला था, तो उसकी उंगलियां काट दी। गलत किया देवसेना, औरत पर हाथ डालने वाले की उंगलियां नहीं काटते, काटते हैं उसका गला।
दिस सीन इज, मतलब बोल सकते हैं दिस इज द बेस्ट सीन ऑफ बाहुबली. एंड बाहुबली मूवी आई हैव सीन लॉट ऑफ टाइम, एंड मतलब जितनी बार भी देखो यू कैन नॉट फील बोर. एंड टॉक अबाउट दिस मूवी सीन, इतना इंटरेस्टिंग था. लाइक जिस तरह से बाहुबली की एंट्री दिखाई गई ना, फैंटास्टिक विद बीजीएम, रॉकिंग बीजीएम आई कैन से. एंड जिस तरह से यू नो उन्होंने जो डायलॉग बोला देवसेना को, हाथ नहीं काटना चाहिए सर काट देना चाहिए, मतलब गला काटना. अमेजिंग यार, लाइक दिस मूवी इज सुपर डुपर हिट. एंड दिस सीन स्पेशली इज अमेजिंग, लाइक वी हैव लिटरली एंजॉयड द सीन. जिस तरह से वो औरतों के ऊपर हाथ डाल रहा था, दिस वॉज नॉट एक्सेप्टेबल. एंड उनको बोला कि महाराज के आने का समय तो वहां से है, सब लेडीज के साथ वो आ रहे थे. सो उन्होंने वहां पे उसकी फिंगर्स तो काटी काटी, यहाँ पे बाहुबली ने उनका गला भी काट दिया. और बहुत अच्छा डायलॉग बाजी हो रही थी, जिस तरह से बोला ही वो सेइंग लाइक when you have kept a pregnant lady in that बेड़ियों में जिस तरह से बांध के रखा हुआ है, so your साम्राज्य has done already a big mistake. Correct, and you should not do that. But Ballal Dev said like it's the rules are same for everyone. It's a vrith, it's a pregnant. It's him or it's me for everyone. And then जो राजमाता है, she was also saying something to Devasena, like वो जिस तरह से भाषण दे रही थी और अपनी बात रख रही थी उस पर भी उन्होंने उनको काटा था. बहुत अमेजिंग सीन था यार, मतलब हेड कट सीन द बेस्ट सीन ऑफ दैट मूवी. या एंड जिस तरह से देवसेना ने भी उंगलियां काटी थी ना, दैट वाज आल्सो नाइस. मतलब बहुत ही अच्छा किया उन्होंने. एक्चुअली हिज इंटेंशन वाज नॉट गुड, दैट्स व्हाई उन्होंने बोला इधर से आने को, लाइक नो करेक्ट डेफिनेटली यार. एंड And Prabhas sir acting and Ballal Dev and each and everybody performance is so good in this movie. Correct. And we have enjoyed amazing scenes from this movie. Like we have already watched the movie, but this whole movie is enjoyable. And the scenes they have done, the graphics they have used, the BGM and the music, the songs, each and everything is so perfect. So pop. Basically, this movie is, मतलब बोल सकते हैं ना, full on graphics pack. Correct. And इतने अच्छे graphics दिखाए गए ना कि you are feeling so good. So good. Like literally, and Prabhas sir's upcoming movie Radhe Shyam is going to be very amazing because in that movie they have invested huge amount on graphics VFX. And we have seen that I think teaser, correct? The train was coming and it it's was a glimpse, looks, it's yeah a it's glimpse, a glimpse yeah. Correct, you can say. It looks so awesome. Yeah, and like Prabhas movies are really great. So guys, this is our reaction on this video. How did you feel about it? Let us know in the comment box. So guys, we'll back soon on our next video. Till then, bye bye.